के को जब पकड़ने की कोशिश करने के दौरान जो है लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी काफी जख्मी हुई हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने लेडी पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया था, जिसके नतीजे में वो भी जख्मी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू है। मैम अपनी उंगली दिखाइएगा, अपनी फिंगर दिखाएं। इन्होंने ब्लेड से मेरी उंगली काट ली, सिरिंजें घुसाई हैं मेरी अलग अलग जगहों पे। जी, लेडी पुलिस कांस्टेबल का ये कहना है कि यहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद थी, गिरफ्तारी के दौरान सिरिंज जो है वो भी लेडी पुलिस एहलकारों को मारे गए हैं, और उसके साथ साथ ब्लेड भी था, वो ब्लेड मारा गया जिससे उनके उंगली जख्मी हुई है। पैरामेडिक के तमाम लोग में लेडी हेल्थ वर्कर्स मौजूद थी, उनके नुमाइंदगान मौजूद थे और स्पोर्टिंग स्टाफ के नुमाइंदगान मौजूद थे। मैं आज के तमाम जो वाकयात होते रहे, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुए, 12 बजे फिर हुए, गिरफ्तारियां हुई, लोग रिलीज हुए, उसके बाद के तमाम वाकयात हमने डिस्कस किए। तो आज अभी डीसी साउथ की तरफ से, एसएसपी की तरफ से जो बेमाना तशद्दुद और जुल्म व बर्बरियत की गई तमाम प्रोफेशनल्स पे, उसकी हमने सबने मिलकर प्रचार मुकम्मत की है। इस जुल्म जो किया गया है, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स नर्सिस के जो कपड़े हैं वो तक फाड़े गए हैं, इसकी हम बहुत सख्त मुकम्मत करते हैं। और तमाम जो हमारी जीएचए की एसोसिएशन हैं, तंजीमें हैं, उन्होंने मुतफक्का तौर पर ये मुतालबा किया है कामे बाला से कि डीसी साउथ और जो एसपी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, और हमारे जितने भी गिरफ्तार कारकुनान हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सिस हैं, उनको 3 घंटे के अंदर रहा किया जाए।
अगर उनको रहा ना किया गया तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कराची से कश्मीर तक कि हॉस्पिटल में तालाबंदी होती है, हॉस्पिटल में काम हो रहा है नहीं हो रहा। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सर्विस का तो बाइकआउट है, बाकी इमरजेंसी का भी हम जो है वो हमारे अख्तियार से बाहर हो जाएगी तमाम की तमाम चीजें। और कल से कराची से कश्मीर हम जीएचए ये हमने ये डिसाइड किया है कि हम प्रेस क्लब पे धरने देंगे और ये धरने हमारे मंडे तक जारी रहेंगे। मंडे को हम तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिनकी तादाद लाखों में है उनको हम कराची प्रेस क्लब पे बुलाएंगे और फिर हम सीएम हाउस की तरफ जाएंगे और जेल भरो तहरीक का हम आगाज करेंगे मंडे से। अच्छा उमर साहब ये बताइएगा कि अभी जो पिछले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इतने अरसे से जो लोग सफर कर रहे हैं, मिनिस्टर हेल्थ तो कहती हैं कि यू आर ब्लैकमेलर्स और रिस्क अलाउंस किसी सूरत बहाल नहीं किया जाएगा क्योंकि कोविड था, आप क्या कहेंगे सर? आप भी रिजेक्ट हैं, एक आम आदमी सफर कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए आम आदमी सफर कर रहा है इसकी जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट पे जाती है, सिंध गवर्नमेंट पे जाती है। हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिक नर्सेज ने इमरजेंसी संभाली हुई थी ताकि आम इंसान की जान को जो खतरा है, लाइफ और डेथ का जो मसला है वो दरपेश ना आए। लेकिन ये मामला हेल्थ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उनको एचआरए के नाम से नफरत है या जुबन है, एचपीए बढ़ा दें, हम रिजेक्ट नहीं है। हम तो कहते हैं हेल्थ प्रोफेशनल बढ़ा दें, हमारे ग्रेड वन से आगे लेकर आओ, 100% रनिंग पे सकता। हमारी तरफ से कोई रिजेक्ट नहीं है और रिजिडिटी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर साहब, हेल्थ सेक्रेटरी, सीएम सिंध की तरफ से है, हमारी तरफ से कोई रिजिडिटी नहीं है। अभी भी इतना प्रेशर है हम पे तमाम वर्कर्स का, 72,000 पैरामेडिक्स, 25,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स, हमारे 1000 में डॉक्टर और नर्सिस का, वो कह रहे इमरजेंसी फुल फोर बंद करें। हमने फिर भी उनसे 3 घंटे मांगेंगे, यार हम 3 घंटे को टाइम देते हैं, इंसानी जान का मामला है, अगर 3 घंटे हमारे लोग छूटते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मसला अभी तक पेंडिंग में है और जो हमारी खवातीन के साथ इन्होंने Let's go.